अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। लें जी, तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि आपको पता है, आज इलेक्शनों के ऊपर बात हो रही थी। आज हमारा आना था रिजल्ट, जो कि रात को 10 बजे आना था, 10 बजे से 12 बजे पे डिले हुआ, फिर 2 बजे, और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। और अल्लाह के हुक्म से धांधली कोई इतनी हैवी किस्म की हो रही है, इतनी कोई हैवी किस्म की हो रही है। बंदा पूछे कि यार, अगर आपने सोच लिया कि आपने हुकूमत देनी किसको है, तो फिर ये इलेक्शन करवाने के टोपी ड्रामे किस चीज़ के लिए हैं? तो उसका आसान तरीका कि भाई, 5 साल बाद आप कहेंगे जी, ये 5 साल इस हुकूमत के पूरे हो गए, अब हमने इसको बुलाना है, तो ये हुकूमत आ जाए और ये आके अपनी हुकूमत करे। तो ये इतनी धांधलियाँ वगैरह करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इसके रेफरेंस के लिए 2-3 वीडियोज़ अटैच कर रहा हूँ, एक दफ़ा उनको देखें, बाकी उसके बाद फिर हम बाकी की बात बाद में करते हैं। जनरल साहब, मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। जी तो ये वीडियोस आपने देखी, सारा कुछ आपके सामने ही है। ठप्पे सरेआम लग रहे हैं, रिश्वतें सरेआम चल रही हैं, गुंडागर्दी सरेआम हो रही है। तो फिर ऐसे इलेक्शन करवाने का फ़ायदा नहीं है ना। या तो आप सीधा एक ही आवाम के पास हक होता है अपना वोट देने का, उसके ऊपर भी अगर आपने अपनी धांधली करनी है, तो फिर तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई बात करनी बाकी रह जाती है। लेकिन फिर भी मेरी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि अगर आपने इसी तरीके की हरकतें करनी है, तो आपकी मेहरबानी, ना ही अपना टाइम ज़ाया करें, ना ही आवाम का ज़ाया करें। ठीक है कि अगर आपने यही करना है कि जी धांधली ही करवानी है, अगर आप एक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं अनाउंस करवा सकते हैं, फ्रीडम हुए इसके ऊपर, और चुप करके आप 5 साल बाद कहेंगे जी 5 साल इस हुकूमत के पूरे हो चुके हैं, और अब हमारी आपसे दरख्वास्त है, हम आपसे जो उनसे इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, हमने इस हुकूमत को लेके आना और हम इनको लेके आएंगे, बेशक हम गुस्से से लेके आए, बेशक हम धांधलियाँ करें, बेशक हम जोर से लेके आए, जिस तरीके से मर्जी लेके आए, तो हमने उनको लेके आना ही है। तो आप चुप करके उनको लें, ताकि आपका और हमारा टाइम बहुत बच सके। तो फ़ायदा नहीं है आप लोगों को कुछ समझाने का या कुछ कहने का। तो जितने भी लोगों ने वीडियोस वगैरह शेयर किए, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी अल्लाह ही खैर करे हमारे पाकिस्तान का।